दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। आज सरकाघाट में भत्रवा वन महोत्सव वन विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में चंद्रा कड़ी समीप पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसडीएम सरकाघाट राहुल जैन ने पौधारोपण का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए ताकि पर्यावरण सुरक्षित व संतुलित रह सके तथा आपदाओं से भी बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 300 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अनुप कुमारी, उपाध्यक्ष ध्यान सिंह, सभी पार्षद, जिप सदस्य मनीष शर्मा, वन रेंज अधिकारी मदन लाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज जो है 72nd वन महोत्सव मनाया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसमें 300 पौधे लगाए जा रहे हैं। इसमें हमने NGOs जैसे सेवा संकल्प समिति और MC के हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं और सुरक्षाकर्मी हैं उनको बुलाया गया। उसके अलावा भी जो भी हमारे यहाँ पे यूथ क्लब्स हैं उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग दिया, और इसमें कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ भी इन्होंने भी पौधे लगाए। तो इससे यही संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि हिमाचल में आपदाओं को पेड़ों से काफ़ी ज़्यादा बचाया जा सकता है। तो हमारा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उनकी आगे केयर भी करें पेड़ लगाने के बाद। ये नहीं कि पेड़ लगाने के बाद उनको छोड़ दें, और जिन्होंने भी पेड़ लगाए यहाँ पर आकर उनको उनकी देखभाल भी करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।